मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे का दाहिना हाथ। सात शूटर अमर दुबे को इनकाउंटर में किया ढेर। 2 जुलाई को शूटआउट में शामिल था अमर दुबे। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले गैंगस्टर की अब खैर नहीं है। पुलिस विकास दुबे की तलाश में जुट गई है, मगर वहीं बड़ी सफलता भी पुलिस को हासिल हुई है, जिसमें विकास दुबे के गैंग से जुड़े अमर दुबे को मार गिराया गया है। विकास दुबे माना जाना अपराधी, जो फिरौती से लेकर हत्या तक के जुर्म में शामिल था, मगर विकास का पाप का घड़ा तब भर गया जब उसने 8 पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन और सरकार हरकत में आई। तो अब माना जा रहा है कि विकास दुबे का साम्राज्य का खात्मा होना तय है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे को एसटीएफ ने इनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें कि कानपुर शूटआउट में मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के प्रमुख गुर्गे को पुलिस ने पश्चिमी यूपी के हमीरपुर में मार गिराया है। बिकरू गांव में हुए शूटआउट में विकास दुबे के साथ अमर दुबे भी शामिल था। पुलिस ने विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, मगर इसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस लगातार विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है, यहां तक कि विकास दुबे के घर को भी तोड़ दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे के भागने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस को अमर की कार औरैया दिव्यापुर हाईवे पर मिली थी, कार के अंदर मिले दस्तावेजों से अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। आपको बता दें कि 29 जून को ही अमर दुबे की शादी हुई थी, मगर अमर दुबे को इनकाउंटर में अब मार गिराया गया है। अमर दुबे विकास के चचेरे भाई संजय दुबे का बेटा है। अमर के सगे चाचा अतुल दुबे और विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश दुबे का 3 जुलाई को पुलिस ने बिकरू गांव में इनकाउंटर किया था। पुलिस को अमर दुबे के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, मगर अमर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया और अब विकास दुबे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना मोदहा पुलिस को आज ये टिप ऑफ मिली थी कि अर्तरा गांव के पास एक अमर दुबे नाम का व्यक्ति है, जो कि कानपुर में कई पुलिस वालों की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहा था और इस पे इनाम भी घोषित है। इसका मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। इस सूचना पर थाना मोदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा ज्वाइंट घेराबंदी की गई, जिसके क्रम में इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किए गए, जो रिटेलिएटरी आत्मरक्षात फायरिंग पुलिस द्वारा की गई, उसमें यह घायल हुआ। और इसके तरफ से जो गोलियां चलाई थी उसमें हमारे SHO मोदहा और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी है, उन्हें चोट आई है। उन दोनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। साथ ही अभी कुछ देर पहले CHC से ये सूचना प्राप्त हुई है कि इसे वहाँ पे जो अमर दुबे नाम का अपराधी है, इसे वहाँ पे मृत घोषित कर